आप देख रहे हैं सत्य खबर। दबाइए ये सब्सक्राइब का बटन और पाइए देश प्रदेश की हर खबर। इंडियन नेशनल लोकदल के लीगल सेल के संयोजक जसबीर सिंह ढिल्लों ने कहा कि SYL मामले में अब कोई पेच बाकी नहीं रह गया है, खोट है तो सिर्फ सरकार की नीयत में। कोई पेच नहीं है, पेच और खोट अगर है तो हरियाणा सरकार की सोच में है, केंद्र सरकार की सोच में। पूरे प्रदेश के अधिवक्ताओं का समर्थन अब पार्टी के साथ है। पहले से घोषित कार्यक्रम के मुताबिक आगामी 7 मार्च को दिल्ली में विशाल रैली आयोजित करके आंदोलन की घोषणा की जाएगी। अभय सिंह जी चौटाला ने 23 फरवरी की तारीख मुकर्र की थी कि 23 फरवरी तक अगर SYL नहर का निर्माण शुरू नहीं किया गया तो फिर 7 मार्च को दिल्ली के रामलीला मैदान में एक बड़ी रैली करके आगे का जो आंदोलन है उसकी रूपरेखा तैयार की जाएगी और उसकी घोषणा की जाएगी। इस दौरान जसबीर सिंह ढिल्लों ने कहा कि SYL हरियाणा, खासकर दक्षिण हरियाणा की जनता के लिए जीने मरने का अब सवाल बन गई है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद अब SYL मामले में कोई एक कानूनी अड़चन है भी नहीं, लेकिन सरकार इस मुद्दे को पूरी तरह से लटकाना चाहती है, जिसे इंडियन नेशनल लोकदल किसी भी सूरत हाल में बर्दाश्त नहीं करेगी। नवम्बर 2016 को आज 1 साल और 4 महीने प्रधानमंत्री जी ने एक शब्द इस बारे में, हरियाणा का मुख्यमंत्री बार बार समय मांग चुके हैं। अभय सिंह जी चौटाला ने बार बार हर जगह पब्लिक मीटिंग में, प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात कही है कि हरियाणा के मुख्यमंत्री को प्रधानमंत्री ने मुलाकात का समय तक भी नहीं दिया है। इस मुद्दा को लेकर के कहीं कोई कानूनी अड़चन नहीं है, केवल अड़चन है इनकी सोच की है। हरियाणा का हिस्सा का पानी हरियाणा को दिलाया जाए और SYL नहर का निर्माण किया जाए, ये हमारी बात। रेवाड़ी से संजय कौशिक की रिपोर्ट। आप देख रहे हैं सत्य खबर। दबाइए ये सब्सक्राइब का बटन और पाइए देश प्रदेश की हर खबर।